नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज की वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट कम रैंक कर रही है ब्रांड, या आपकी वेबसाइट बीच में अच्छे से रैंक कर रही थी और अब बाद में आपका रैंक स्कोर कम हो गया, तो ब्रांड में आपकी इसकी वीडियो में यही बताने वाला हूँ। और फ्रेंड, आप लोग बैक लिंक बनाते होंगे, वैसे डू फॉलो बैक लिंक बनाते होंगे, तो आप क्या सही से बैक लिंक बनाते हो, कैसे बनाते हो? अगर आवाज़ कम आए तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कृपया करके वीडियो को एक अंत में देखें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि फ्रेंड स्पैम स्कोर क्या होता है और फ्रेंड इसको कैसे चेक करते हैं। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, पूरी तरह की मेरी वेबसाइट में भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है फ्रेंड, बहुत ही रैंकिंग में इफेक्ट पड़ा है। तो देखिए स्पैम स्कोर क्या है, इसका लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बार आप लोग क्या गलती करते हैं कि जब भी कोई बैक लिंक बनाते हैं, किसी भी दूसरी वेबसाइट से बैक लिंक बनाते हैं, तो आप उसका स्पैम स्कोर चेक नहीं करते, ओनली हाई डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं और कुछ पता नहीं करते। तो फ्रेंड क्या करते हैं, उस वेबसाइट का जो स्पैम है वो आपकी वेबसाइट में कुछ परसेंट आ जाता है, तो इससे आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ता है। और इसमें बहुत सारे वो भी है कि किस प्रकार से इसको कम किया जा सकता है। अब स्पैम स्कोर को कैसे पता करें, तो फ्रेंड जब भी आप कोई बैक लिंक बनाए तो एक बात का ध्यान रखें कि उस वेबसाइट की बैक लिंक अथॉरिटी यानी डोमेन अथॉरिटी और उसका जो भी स्पैम स्कोर है उसको ज़रूर चेक करना चाहिए, उसके बाद ही बैक लिंक बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर आप ज़्यादा बैक लिंक बनाएंगे तो अब आपकी वेबसाइट ज़्यादा रैंक करेगी। आप हाई डोमेन अथॉरिटी वाले वेबसाइट से ही बैक लिंक लीजिए जिसका SS यानी स्पैम स्कोर कम हो, ठीक है? तो फ्रेंड ये देखिए स्पैम स्कोर क्यों होता है और स्पैम स्कोर को कैसे चेक करें, तो इसके लिए मैंने आप सभी के लिए एक टूल अवेलेबल कराया, बिल्कुल मुफ्त है। तो क्लिक ईयर पर क्लिक करेंगे हम, तो फ्रेंड ये दूसरा टूल खुल जाएगा। देखिए अब जैसे मैं लगा देता हूँ, एक वेबसाइट है मेरी www.sarve.com। तो यहाँ तक यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक तो स्पैम स्कोर हो तो कोई बात नहीं, इतना होता है फ्रेंड, क्योंकि अगर किसी ना किसी वेबसाइट में गलती तो हो ही जाती है। तो मेरा बैकलिंक पहले 50 पहुँच गया था फ्रेंड, तो देखिए मेरा बैकलिंक अभी 11 ही है फ्रेंड, ठीक है? डोमेन अथॉरिटी 6। अब मैं आपको एक वेबसाइट बता दूंगा जिसका जो भी डोमेन वो स्पैम स्कोर है वो अभी देखना आप, ठीक है फ्रेंड? ये तो किसी और की है, ठीक है फ्रेंड? तो हम इसको देख लेते हैं, technovedant.com। ये एक हमारे एक यूट्यूबर की है, मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, ये लगा देता हूँ, ठीक है? इसके बाद में देखते हैं, तो फ्रेंड ये देखिए 78% यानी इनकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा स्पैम स्कोर है और इसका डोमेन अथॉरिटी 14 है, लेकिन इसे मतलब नहीं इनका स्पैम स्कोर ज़्यादा है, तो इनको इसका स्पैम स्कोर कम करना चाहिए फ्रेंड, ठीक है? इसके बाद ही आपको अगर आपकी वेबसाइट पर भी स्पैम स्कोर है फ्रेंड, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि बिगिनर यही गलती कर बैठते हैं। हम अपना वेबसाइट को रैंक कराने के लिए बैंकिंग बनाते रहते हैं बनाते रहते हैं बनाते रहते हैं और उनको पता नहीं रहता कि उनका वो जिन वेबसाइटों पर स्पैम स्कोर वो बैकलिंक बना रहे हैं उनका स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा है, तो फ्रेंड उनकी वेबसाइट भी रैंक नहीं हो पाती और उनकी श्रेणी नहीं आ जाती। और फ्रेंड अभी वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। देखिए स्पैम स्कोर को कम करने के बहुत सारे उपाय हैं, इनको आपको अगर फॉलो करते हैं तो सारे आप अच्छे से आप खुद ही देख सकते हैं। मैंने 50 स्पैम स्कोर से नीचे ले आया हूँ 11 पे, फ्रेंड आप सभी लोग देख सकते हैं, मैंने ये सभी इसी मदद से किया है। तो आज ही आपको काफ़ी पसंद आया होगी, अगर आप कोई भी बैक लिंक बनाते हो तो डू फॉलो बैक लिंक के साथ नो फॉलो बैक लिंक भी बनाया करो। और फ्रेंड अगर नो फॉलो बैक लिंक का स्पैम स्कोर अधिक है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड? लेकिन आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कम स्पैम स्कोर वाली वेबसाइट से ही बैक लिंक बनाएंगे, तो गारंटी है मेरी आपकी वेबसाइट ज़रूर रैंक करेंगी। उसमें ऐसा नहीं कि अगर आप इतनी वेबसाइट जैसे बैक लिंक लेते हो तो आपकी वेबसाइट ज़्यादा रैंक करेगी, ऐसी कुछ ऐसी गलत फहमी मत पालना फ्रेंड। तो थैंक यू, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आशा करता हूँ सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी समस्या हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट करें।
इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। मेरी वेबसाइट में आपको बैक लिंक ऐसे बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे, वेबसाइट SEO से संबंधित फुल आर्टिकल मिलेंगे, तो आप मेरी वेबसाइट की सभी पोस्टों को रीड कर सकते हैं फ्रेंड। सारी पोस्ट एकदम गजब झक्कास है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ओके बाय बाय।